दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन को लेकर अपना यहाँ पर शुभारंभ करने जा रही है बहुत ही जल्द। बट उससे पहले दोस्तों दिन भर में काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आई है और मैन ऑफ द मोमेंट यहाँ पर कुछ बीसीसीआई के लफड़े भी निकल कर आए थे, जिसमें अगर बात करें तो यार सबसे पहले चेतन शर्मा फंसे थे। बट अब रिसेंटली हमें पृथ्वी शॉ की कुछ वीडियो लीक्स देखने को मिल रही है जहां पर वो दिल्ली के रोड्स के ऊपर फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब हम टेलीग्राम पर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं दिन भर की टॉप अपडेट्स की। तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएल को लेकर। सो यार दोस्तों फाइनली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो अब एंड हो चुकी है। बट यार दोस्तों बहुत सारे रियलिटी चेक टीम केकेआर के लिए होने वाले हैं, जहां दोस्तों अगर बात करें तो हमने आप सभी को बताया था कि जो शाकिब अल हसन है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। परफॉर्मेंस उनका सीजन के स्टार्ट में काफी अच्छा था, फिर सीजन में डाउन होता गया और गिर गया। इसके बाद बात करें तो लिटिन दास, जिनके लिए सीजन इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था बट एंड होते होते काफी अच्छा हुआ। फाइनल में भी दोस्तों रन चेस करते हुए उन्होंने 55 रन की एक शानदार पारी यहां पर खेली थी। तो यार ये बात तो तय है कि बांग्लादेश के जो दोनों ही खिलाड़ी हैं टीम केकेआर के, वो बहुत ही शानदार फॉर्म के अंदर अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहां पर जो एडीकेआर बोले तो आईएल टी20 के अंदर हार झेलने के बाद आंद्रे सोलह सुनील नारायण भी यहां पर बीपीएल के अंदर ज्वाइन हुए थे, परफॉर्मेंस उनकी उतनी खास अभी तक निकल कर नहीं। और अभी तक तो क्या, अब तो सीजन ही एंड हो गया है। आंद्रे रसल का जो यहां पर परफॉर्मेंस है वो एक मेजर कंसर्न होने वाला है सभी के लिए, सभी को चेक करने के लिए। दोस्तों इसके लेकर वो क्या यहां पर मोमेंटम देखते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस हो पाती है, क्या आईपीएल में कमबैक होता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेट्स सी दोस्तों, अभी तक वो दो टूर्नामेंट में तो इतना कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। आप कमेंट करके जरूर बता दो आपको क्या लगता है, आंद्रे रसल और सुनील नारायण तूफान मचा पाएंगे या फिर नहीं मचा पाएंगे। अगली अपडेट आ रही है नई ओपनिंग को लेकर। तो यार ये जो हमने पुरानी वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको बताया था कि वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के बीच क्यों प्लेइंग 11 के अंदर यहां पर ओपनिंग पेयर को लेकर डिस्कशन हो सकता है। दोनों के रीजंस दिए थे और उसमें एक चीज हमने बोली थी कि सुनील नारायण यहां पर ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि सुनील नारायण ओपन नहीं करेंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यार जो यहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी उसके अंदर जो सुनील नारायण है उनको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहां पर ट्राई किया गया था और एक्सपेरिमेंट बहुत ही बुरा और डिजास्टर रहा और सुनील नारायण कम रन बना पाए और टीम के ऊपर एक लायबिलिटी बन गए। तो यार ये देखते हुए साफ निकल कर पता चल रहा है कि यार सुनील नारायण वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे और सुनील नारायण को शायद ट्राई किया जा सकता है। बट यार अगर ट्राई करना ही है तो शुरुआती मुकाबलों में कर लो या फिर उन मुकाबलों में कर लो जब आप पॉइंट टेबल पर प्लेऑफ्स में पहुंच जाओ, फिर एक एक्सपेरिमेंट कर लो। बट यार अगर बिल्कुल अनकैलकुलेटेड रिस्क लोगे ना तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी टीम केकेआर के लिए। तो आप कमेंट कर दो यार एक्सपेरिमेंट के तौर पर। वैसे हमें पता है रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग है, बट अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर ओपनिंग चाहिए होगा तो क्या क्या हो सकती है। लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है चेतेश्वर पुजारा को लेकर। तो रिसेंटली एक पोस्ट यहाँ पर बाहर निकल कर आई थी, आप गूगल के ऊपर पढ़ सकते हो। बांग्ला लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई इस पोस्ट में जो चेतेश्वर पुजारा है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एसआरके हैं केकेआर के को ओनर एसआरके ने कैसे उनकी मदद की थी और कैसे मुश्किल समय वो उनके काम आए थे, वो पूरा ब्लॉग आप पढ़ सकते हो। और रिसेंटली जो चेतेश्वर पुजारा है उन्होंने ये बात बताई है कि टीम इंडिया के लिए आईजीटी ट्रॉफी जीतना, जो टीम इंडिया के लिए उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर जो टेस्ट की चैंपियनशिप है वो जीतना सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन है। तो यार आप कमेंट कर दो क्या इस साल टेस्ट चैंपियन बन पाएगा इंडिया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।